नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला होम्योपैथी फिजिशियन प्रैक्टिस करता हूं और समय समय पर होम्योपैथी से रिलेटेड जानकारी और वीडियो आप तक पहुंचाता रहता हूं। हमारी होम्योपैथी फिलॉसफी अग्नान ऑफ मेडिसिन पे सीरीज चल रही थी, जिसमें हम रेगुलर एक एफोरिज्म के बारे में आपको बताते हैं कि महात्मा हनीमैन ने क्या कहा है। महात्मा हनीमैन ने एफोरिज्म एक एक एफोरिज्म अग्नान ऑफ मेडिसिन सिक्स एडिशन में क्या क्या कहा है और उसको अगर अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो चलते आज हम बात करते हैं एफोरिज्म नंबर 40वें एफोरिज्म में डॉक्टर हनीमैन ने क्या कहा है। डॉक्टर हनीमैन सर कहते हैं, जब दो आदृश्य रोग जटिल रूप धारण कर लेते हैं, जब दो रोग हमारी बॉडी में होते हैं और बिल्कुल क्रोनिक बड़े बड़े रोग बन जाते हैं तो क्या कहते हैं, द न्यू डिजीज आफ्टर हैविंग लॉन्ग एक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म एट लेंथ ज्वाइन द ओल्ड वन दैट इज डी सिमिलर टू इट एंड फॉर्म विद इट इज कॉम्प्लेक्स डिजीज सो दैट ईच ऑफ देम ऑक्यूपाई ए पर्टिकुलर लोकेलिटी इन द ऑर्गेनिज्म नेमली द ऑर्गन पर्टिकुलर अडेप्ट टू इट एंड एज इट विल ओनली बी प्लेस सोसाइटी belong to it whilst they leave the rest of the other disease that is dissimilar to it. Thus a syphilitic patient may become psoriatic and vice versa. As two dissimilar disease to each other they cannot remove, cannot cure one another at first pending and the psoriatic eruption beginning to appear is course of time. However, as the syphilis is the least strong of the sora, the two joined together that is each involve those part of the organism only which the most adapted for it and the patient is thereby needed more disease and more difficult to cure. जब दो अदृश्य रोग जटिल रूप धारण कर लेते हैं, यदि नया रोग धीरे धीरे पुराना पढ़कर अपने से भी पुराना रोगी के साथ मिल जाता है तो नया रोग और पुराना रोग मिल करके एक जटिल रोग उत्पन्न हो जाता है। ऐसी दशा में दोनों में से प्रत्येक रोग शरीर के उन स्थानों में जम जाता है जहाँ पर सामान्यतः उनका प्रभाव या असर दिखाना चाहिए होता है। शेष स्थानों पर दूसरा अदृश्य रोग हावी हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर हनीमैन सर कहते हैं, यदि किसी रोगी को सोरा हो जाए या खुजली हो जाता है तो खुजली के रोगी को उपदंश का रोग घेर ले तो उसमें से कोई एक रोग दूसरे रोग को नष्ट नहीं कर पाएगा। ऐसी दशा में होगा या कि उस समय ईचिंग खुजली की पुंसियाँ निकलना शुरू होती है, उस समय उपदंश के जनेंद्री वाले लक्षण दब जाते हैं। लेकिन चूंकि उपदंश रोग भी सोरा खुजली की कमी के कारण होता है, सक्ताली होता है, अतएव समय पाकर दोनों आपस में मिल जाते हैं। ऐसी दशा उत्पन्न होने पर रोगी और अधिक अस्वस्थ हो जाता है तथा रोग जटिल हो जाने के कारण उसका इलाज भी कठिन हो जाता है। इसी प्रकार दो आदृश्य लक्षणों वाले और रोगों के मिलने पर, जैसे छोटी और बड़ी माता चिकन पाक्स, उसमें से अधिक सक्ताली रोग कम सक्ताली रोग को उस समय तक दबाए रखता है जब तक उसका प्रभाव काल समाप्त नहीं हो जाता। कितनी ही ऐसी बीमारियां हैं जो दो आदृश्य रोग एक साथ शरीर में बने रहते हैं और कभी कभी शरीर में इन दोनों ही रोगों के अलग अलग लक्षण भी बहुत थोड़े समय के लिए दिखाई पड़ते हैं। ये डॉक्टर हनीमैन ने एफोरिज्म 40 में 40वें एफोरिज्म में बताया। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया कि एक बार छोटी और बड़ी माता के व्यापक प्रकोप के समय रोगियों को इलाज करते हुए डॉक्टर रसेल ने यह पाया था कि लगभग 300 व्यक्तियों में एक साथ ही दोनों रोगों का आक्रमण हुआ था, लेकिन उसमें से एक ने दूसरे को दबाया हुआ था। बड़ी शीतला की प्रभाव अवधि 20 दिन बाद समाप्त होती थी, बट छोटी शीतला उभर आती थी। यद्यपि दोनों रोगों का हमला उन पर एक साथ हुआ था, लेकिन उन्हें केवल एक ही रोगी ऐसा मिला था जिसमें दोनों रोगों के लक्षण एक ही समय में विद्यमान थे। डॉक्टर रैनी ने भी दो रोगी बालिकाओं में खसरा और चेचक के लक्षण एक साथ पाए थे। डॉक्टर जे मोरिल को भी उस प्रकार के लक्षण वाले रोगी केवल एक ही दो ही मिले थे। डॉक्टर एरुमुलर के ग्रंथों में भी ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। कुछ अन्य चिकित्सकों के लेखों में भी उसकी चर्चा देखने को मिलती है। डॉक्टर जेनर को एक ही रोगी के शरीर में बड़ी और छोटी माता का एक प्रकार का चर्म रोग डर्मिस रोग के लक्षण एक साथ ही देखने को मिले थे। उपदंश के एक रोगी में जिसकी चिकित्सा मरकरी से हो रही थी, पारे से हो रही थी, चिकित्सा अवधि में ही शीतला के लक्षण विद्यमान पाए गए थे और दोनों ही रोग एक साथ चलते रह रहे थे।
शरीर में दो अदृश्य रोग के प्रकार के रोग दो होने पर एक रोग दूसरे रोग को दबाए रहता है और एक रोग का भोग काल खत्म होते ही दूसरा रोग उभर आता है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद भी देखने को मिलते हैं जिसमें दो अदृश्य रोगों के लक्षण एक साथ शरीर में विद्यमान पाए जाते हैं। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार के दो रोगों के लक्षण शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में ही प्रकट होते हैं, क्योंकि एक ही अंग पर दो अदृश्य रोग ही प्रकट हो सकते हैं। मैं एक बार फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो एफोरिज्म नंबर 40 है, 40वां एफोरिज्म है, महात्मा गांधी ने बताया, उसका सूत्र क्या है, उसका व्यापक सूत्र क्या है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो हनीमैन सर कहते हैं, शरीर में दो असदृश्य प्रकार के रोग होने पर एक रोग दूसरे को दबाए रहता है। एक का भोग काल, एक का जो टाइम होता है वो ख़त्म हो जाता है तो दूसरा उभर आता है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद भी देखने को मिलते हैं जिसमें दो अदृश्य रोगों के साथ एक साथ शरीर में विद्यमान देखे जाते हैं। लेकिन इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार के दो रोगों के लक्षण शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पर ही प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि एक ही अंग पर दो सदस्य रोग ही प्रकट हो सकते हैं, ये डॉक्टर हनीमैन ने बताया। तो दोस्तों, ये रहा आज का एफोरिज्म नंबर 40। मिलते हैं अगले वीडियो में। डेली में एक एफोरिज्म के बारे में आपको बताता रहता हूँ कि डॉक्टर हनीमैन ने क्या कहा है, डॉक्टर हनीमैन ने क्या बताया, हर उसको प्रैक्टिस में कैसे अपने यूज करना है। अगर आप फिलॉसफी पढ़ते हैं, अपने प्रैक्टिस में यूज करते हैं, तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जब भी हम कोई होम्योपैथी से रिलेटेड कोई हम जानकारी दें, कोई वीडियो बनाएं, तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। इसके लिए आपको बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना होगा, जिससे और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। मिलती है दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, नमस्कार। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए या मेरे व्हाट्सअप नंबर 9305858 पर भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। नमस्कार।